देश में एनएसयूए ने छात्र आक्रोश रैली कराई और जिसमें से आज छिंदवाड़ा में कलेक्टर घेराव है कि यहाँ के जो सरकार है, जो एंटी स्टूडेंट पॉलिसीज और एंटी यूथ पॉलिसीज इस सरकार की है उनको लेकर जिस तरीके से युवाओं को धोखा हुआ है और जो युवाओं के साथ वादा हुआ था वो पूरे नहीं किए, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे यहाँ की सरकार हो। चाहे छिंदवाड़ा की बात की जाए तो यहाँ का पूरा जो श्रेय दिया जाता है वो कमलनाथ जी को दिया जाता है कि जिस तरीके से मैंने रोड्स और यहाँ की डेवलपमेंट दी और जितने एनएसयूए के कार्यकर्ता और बाकी लोगों से बात हुई कि ऐसा नेतृत्व हो जो आज यहाँ पर छिंदवाड़ा में और फिर मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश का जो युवा है और मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है वो कमलनाथ जी की लीडरशिप में यहाँ पर सरकार बनाए। यहाँ पर एनएसयूए की बहुत साल से डिमांड चल रही है, जैसे यूनिवर्सिटी की बात हो, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तादाद में और कॉलेज इतने हैं तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है छिंदवाड़ा में? ये सरकार छिंदवाड़ा के युवाओं के साथ, छिंदवाड़ा के स्टूडेंट के साथ धोखा क्यों कर रही है? आप बात करें फीस की, बात करें पहले एक यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ एफिलिएशन था, आप दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन, तो पहले फीस। सिटी इन लाइव, हमेशा समाचार के साथ।